ये सब क्या करना चाहिए ये बताया, लेकिन आपको क्या नहीं करना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर सक्सेसफुल होना है, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम डायरेक्टली शुरू करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स, राइट। आपको चारों तरफ या स्ट्रेटजी में या सब क्या करना चाहिए, कहाँ ट्रेड करना चाहिए, कहाँ एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ एग्जिट करना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस लगा, ये सब क्या करना चाहिए ये बताया, लेकिन आपको क्या नहीं करना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर सक्सेसफुल होना है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि क्या करना है वो तो है, लेकिन क्या नहीं करना है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आपको यहाँ पे ध्यान रखना है व्हेन मार्केट ओपन, राइट। अगर 2-2.5% से ज़्यादा गैप अप ओपन होता है तब आपको ट्रेड नहीं करना है, राइट। निफ्टी को देखना है आपको, या कोई यूनियन बजट डे है या इवेंट है या कुछ और इम्पोर्टेंट इवेंट है तो उस दिन नहीं करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन है, डिक्लेरेशन है, या कुछ आयन वक्त का इवेंट है तब नहीं करना है, राइट। व्हेन बैंकिंग हॉलीडे या बैंक स्ट्राइक है, या ओनली ट्रेडिंग डे है, क्लियरिंग हॉलीडे है, तब भी नहीं करना है, राइट। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है या बैंकिंग का कुछ है, फाइनेंशियल सेक्टर का कुछ है, राइट। ऐसे वक्त पे भी आपको उस रिलेटेड सेक्टर का स्टॉक में ट्रेडिंग अवॉइड करना होता है, राइट। कंपनी का रिजल्ट है या बोर्ड मीटिंग है, डायरेक्टर का कुछ है, तो कंपनी में एग्जैक्ट क्या डिसीजन आएगा आयन वक्त पे कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है नीचे, टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करेगा ही, ऐसा नहीं होता है। तो उस हिसाब से इन कुछ दिनों पे, इन कुछ जगहों पे आपको ट्रेडिंग अवॉइड करना होता है, तो ये ध्यान में रखना है और उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग अवॉइड करना है फ्रेंड्स, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। डेली अपडेट्स के लिए चैट कमांडो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करना ना भूले। सब्सक्राइब एंड शेयर तो आप करोगे ही। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसते रहिए, यूं ही खुशियां बांटते रहिए फ्रेंड्स। बाय बाय फॉर नाउ।